ओम पवित्र पवित्र सर्वावस्था गोपि या स्मरेत पुण्यरी काशम शावम्यावंतर शुचि ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। दिल की हालत तो खैर अच्छी है क्योंकि फाइनली शादी होने जा रही है और चीट किया था ईशान। ऐसा कैरेक्टर है जो इतना माइंड नहीं करेगा क्योंकि बहुत सिंपल लड़का है तो समझता है कि चलो उसकी भी कोई मजबूरी हुई होगी। बिल्कुल मैं जानता हूँ सुहाना एक बिगड़ी हुई लड़की है बट कहीं ना कहीं एक बच्चा छुपा है उसमें जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ है। तो जैसे आप जानते हैं कि सुहाना की माँ नहीं है तो उन सब रिश्तों से वो वंचित है, जैसे कि बहनें क्या होती है, भाभी क्या होती है, जेठानी क्या होती है, दादा दादी। तो जब वो ये घर आएगी, हमारे घर आएगी, तो उसको ये सब रिश्ते मिलेंगे, तो आई थिंक वो धीरे धीरे सुधर जाएगी। गेंदा फूल तो वो ऑलरेडी है, मैं उसकी एक और पंखुड़ी बन जाऊंगी। दिस इज द मेन स्टोरी यू नो कि हाउ दिस होल फैमिली एंड हाउ दिस गर्ल ये कैसे एक साथ रह पाएंगे कि नहीं, क्या ये वाकई में ससुराल सुहाना को प्यार से सुधार पाएगा, क्योंकि शी इज अ मदरलेस चाइल्ड यू नो, उसे माँ का प्यार मिला नहीं, उसे फैमिली का प्यार देखा ही नहीं उसने कभी, तो उसे रिश्तों की अहमियत नहीं पता, उसे प्यार माँ का पता नहीं क्या है। तो ऑब्वियसली इट्स गोना बी अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ दिस गर्ल इन दैट हाउस। सो इट्स एन ईगो ट्रिप यू नो, तो वो अपनी धुमकी में शादी कर रही है, वो गलत है जो कर रही है, बट उसके कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि उसे ऐसा करना पड़ता है। सुहाना कोशिश जरूर करेगी क्योंकि वो साबित करना चाहती है कि वो एक अच्छी धर्मपत्नी बन सकती है, तो कोशिश तो जरूर करेगी बट गुल तो खिलेंगे।